नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज, मैं स्वाति। अगली खबर में बात करते हैं रीवा की, जहां कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में जिला स्तरीय बैंक सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सांसद जनार्दन मिश्र ने कहा कि प्रशासन बैंकों को पूरा सहयोग दे रहा है। जब सभी बैंक अच्छा सहयोग ले रहे हैं तो केवल कुछ बैंक ही ऋण प्रकरण स्वीकृत और वितरित क्यों कर रहे हैं। हर बैंक अपनी जिम्मेदारी समझकर पात्र व्यक्तियों के ऋण प्रकरण मंजूर करें। जो बैंक ऋण देने में कठोर होंगे वे जिले में बैंकिंग व्यवसाय नहीं कर पाएंगे। सांसद ने ICICI बैंक को 29 सितंबर तक लक्ष्य के अनुसार ऋण प्रकरण मंजूर करने के निर्देश दिए। बैठक में विधायक प्रतिनिधि गुड़ तथा विधायक प्रतिनिधि देवतालाब ने भी बैंकों की कार्यप्रणाली के संबंध में कई प्रश्न उठाए। बैठक में कलेक्टर मनोज पुष्प ने कहा कि रीवा तेजी से विकसित हो रहा है, यहां स्वरोजगार तथा उद्यम स्थापित करने के लिए अच्छे हितग्राही लगातार प्रयास कर रहे हैं। बैंक इन्हें सहयोग देकर उदारता से ऋण प्रकरण मंजूर करे, इससे बैंकों का व्यवसाय बढ़ेगा और जिले के ऋण जमा अनुपात में वृद्धि होगी। अभी जिले का अनुपात लगभग 37 है, इसे मार्च 2023 तक हर हाल में 40 तक ले जाएं। बैंकों में प्राप्त होने वाली जमा राशि को ध्यान में रखकर आगामी 6 महीने में ऋण जमा अनुपात के सुधार की कार्य योजना बनाएं। ऋण प्रकरण मंजूर करने में बैंकों की मनमानी सहन नहीं की जाएगी। जो बैंक रोजगार सृजन में सहयोग नहीं करेगा तथा ऋण प्रकरणों की स्वीकृति और वितरण में अनावश्यक देरी करेगा, उनके वरिष्ठ अधिकारियों को कार्यवाही के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा। कलेक्टर ने कहा कि हजारों पात्र किसान KCC के लिए बैंकों के चक्कर लगा रहे हैं। यदि KCC ही लक्ष्य के अनुसार जारी कर दिए जाएं तो ऋण जमा अनुपात में सुधार हो जाएगा। जिले की अर्थव्यवस्था का आधार खेती है, कृषि क्षेत्र में प्राथमिकता से ऋण दे। उद्यम क्रांति योजना में बैंक द्वारा सहयोग के कारण रीवा जिला प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। इसे समय पर ऋण स्वीकृत एवं वितरित करके प्रथम स्थान पर बनाए रखें। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में भी बहुत छोटा सा ऋण देना है, हितग्राही को बिना परेशान किए इसे स्वीकृत करें। किसान क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए 15 अक्टूबर तक प्रत्येक बैंक शाखा में सिविल लगाकर प्रकरणों का निराकरण करें। कलेक्टर ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तथा पंजाब नेशनल बैंक के ऋण प्रकरणों के संबंध में लापरवाह रवैये पर कड़ी फटकार लगाई। बैठक में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि जयविंदर सिंह ने कहा कि जिले का ऋण जमा अनुपात 36.6 है। RBI ने प्रत्येक जिले के लिए यह अनुपात 60 निर्धारित किया है। इसे बढ़ाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड स्वीकृत करें तथा स्व सहायता समूहों को बैंक लिंकेज का लाभ दें। बैठक में नाबार्ड के प्रतिनिधि सुनील ढिकले ने कृषि क्षेत्र में प्राथमिकता से ऋण देने एवं पशुपालकों तथा मछली पालकों को KCC जारी करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि बैंक आउटसाइड फाइनेंसिंग ना करें। बैठक में LDM SK निगम ने कहा कि जिले का ऋण जमा अनुपात में हर हाल में बढ़ाया जाएगा। गत तिमाही में MSME इस सेक्टर में 40%, कृषि क्षेत्र में 14% तथा हाउसिंग क्षेत्र में लक्ष्यों का 12% पूरा होगा। अन्य प्राथमिकता के क्षेत्र में उपलब्धि 51% तथा प्राथमिकता के क्षेत्र में 102% रही। वर्तमान में बैंकों का NPA 12.51% है। RRC वसूली के 4136 प्रकरण लंबित हैं। स्वनिधि योजना में बैंकों से किसी भी तरह की कठिनाई होने पर तत्काल इसकी सूचना दे। बैठक में प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना सहित सभी रोजगार मूलक योजनाओं के प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि उद्यम क्रांति योजना से अब तक बैंकों में 607 प्रकरण दर्ज हुए हैं। इनमें से बैंकों द्वारा 247 प्रकरण स्वीकृत कर 107 प्रकरणों में ऋण वितरित कर दिया गया है। बैठक में मध्यांचल ग्रामीण बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक RK जैन, महाप्रबंधक उद्योग UB तिवारी तथा बैंकों के जिला प्रबंधक एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।